क्लास फोर्थ, टुडे आई विल एक्सप्लेन चैप्टर 14 एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स वो शब्द होते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में, उसके अर्थ में कुछ जोड़ते हैं, एड समथिंग। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आगे इन सेंटेंसेस को पढ़िए। द बर्ड सैंग स्वीटली, द कार स्टॉप्ड हियर, हीना विल कम टुमारो, आई समटाइम्स स्लीप। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऊपर देखिए सेंटेंसेस लिखे हैं कि बर्ड ने प्यार से गाया था, कार यहाँ रुकी थी, हीना कल आएगी, आई समटाइम्स स्लीप लेट, मैं कभी कभी लेट में सोता हूँ या सोती हूँ। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, जैसे हाउ डिड द बर्ड सिंग, चिड़िया ने कैसे गाया, कैसे गाया, स्वीटली गाया, देखिए यहाँ पे स्वीटी लिखा है, स्वीटी नहीं होगा स्वीटली होगा, द बर्ड सैंग स्वीटली। वेयर डिड द कार स्टॉप, कार कहाँ रुकी थी, द कार स्टॉप्ड हियर, वेन विल हीना कम, हीना विल कम टुमारो, हाउ ऑफन डू यू स्लीप लेट, आई समटाइम्स स्लीप लेट। The word sweetly, here, tomorrow and sometimes answer the above questions. यहाँ पे जो sweetly, here, tomorrow and sometimes है, ये क्या है? ये ऊपर दिए गए questions के answer हैं। They tell about the manner of action, place of action, time of action and frequency of action. Therefore, these words are called adverbs. ये जो ये words हैं, ये क्या बता रहे हैं? Manner of action, मतलब कोई काम कैसे किया गया, यानी चिड़िया ने गाया तो कैसे गाया? Sweetly गाया। Place of action, मतलब कोई काम कहाँ किया गया, कार कहाँ रुकी, यहाँ, here, here means यहाँ, here, there, कुछ भी हो सकता है। Time of action, यानी किस समय किया गया, Hina will come, tomorrow Hina आएगी, कल आएगी, यानी time बता रहा है ना, कब आएगी, कल आएगी। And frequency of action, तो कोई काम किस frequency में किया गया, मतलब कितनी बार किया गया, कभी किया गया, हमेशा किया गया, एक बार किया गया, दो बार किया गया, अब sometimes, sometimes means कभी कभी। Therefore, these words are called verbs, और इन्हीं से words को क्या कहलाते हैं, ये वर्ड्स एडवर्ब्स कहलाते हैं। एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट ऐड मीनिंग टू द ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब। एडवर्ब्स वो शब्द होते हैं जो किसी वर्ब की, एडजेक्टिव या एडवर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं, उसके अर्थ में कुछ ऐड करते हैं, वो होते हैं हमारे एडवर्ब्स। नेक्स्ट पेज पे आते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। अब यहाँ पे देखिए एडवर्ब्स के टाइप्स बताए गए, प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, फोर टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के। एज स्टेटेड अबव एडवर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, इट डिस्क्राइब द मैनर इन विच द एक्शन टुक प्लेस। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है कि कोई भी एक्शन, एक्शन मीन्स काम, वर्ब मतलब कोई भी काम किस तरीके से किया गया, किस ढंग से किया गया, और जिस ढंग से वो किया गया हो, अच्छे तरीके से किया हो, बुरे तरीके से किया हो, जल्दी किया हो, देर में किया हो, जिस भी तरीके से वो किया गया हो, वो होता है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, यानी बच्चा साउंडली मतलब गहरी नींद से सोया। हाउ डिड द चाइल्ड स्लीप, तो बच्चा कैसे सोया, यहाँ पे साउंडली का मतलब शोर नहीं, यहाँ पे साउंडली का मतलब गहरी से है, तो बच्चा कैसे सोया, गहरी नींद में सोया। द थीफ रैन फास्ट, यानी चोर तेज से दौड़ा। अब हाउ डिड द थीफ रन, थीफ जो चोर था कैसे दौड़ा, वो तेज दौड़ा, तो जिस तरीके से काम हुआ, साउंडली फास्ट। आंसर हाउ द एक्शन टेक प्लेस, जो साउंड एंड फास्ट, आंसर हाउ द एक्शन टेक प्लेस, यानी कोई काम किस तरीके से किया गया, और जिस तरीके से वो किया गया, वो हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। देयरफॉर दे आर एडवर्ब्स of manner in the above sentences. Next आता है adverb of place. Adverb of place, it describes the place where the action is performed. Adverb of place क्या बताता है, वो ये बताता है कि कोई भी action, कोई भी काम कैसे किया गया, कहाँ किया गया, action is where, where means कहाँ, यानी कोई काम कहाँ किया गया। Where the action is performed, it is raining outside. यानी बाहर बारिश हो रही है. Where is it raining? अब बारिश कहाँ हो रही है? Outside. बाहर हो रही है ना? जगह बता रहा है. Come down, नीचे आओ.
वेयर टू कम कहाँ आना है, नीचे आने के लिए बोला जा रहा है। आउटसाइड एंड डाउन आंसर वेयर द एक्शन टेक प्लेस। अब ये जो आउटसाइड और डाउन है ये क्या बता रहे हैं, कोई काम कहाँ किया गया। देयर फोर दे आर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इन द अबव सेंटेंसेस। ये क्या कहना है हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम, इट डिस्क्राइब व्हेन द एक्शन इज परफॉर्म्ड। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी काम कब किया गया, आज किया गया, कल किया गया, परसों किया गया, लेट में किया गया, जल्दी किया गया, मतलब कोई भी काम कब किया गया उसका समय बताता है एडवर्ब ऑफ टाइम। रचना अराइव्ड लेट, रचना लेट में पहुंची। अब रचना कब पहुंची, व्हेन डिड रचना अराइव, तो वो लेट में पहुंची ना। वी प्लेड द मैच यस्टरडे, हमने कल यानी बीता हुआ कल, यस्टरडे हमने कल मैच खेला था। व्हेन डिड वी प्ले द मैच, हमने मैच कब खेला था यानी कल खेला था ना, तो यस्टरडे लेट आंसर व्हेन द एक्शन टेक प्लेस। यस्टरडे लेट क्या बताते कि कोई भी एक्शन कब किया गया। देयर फोर दे आर एडवर्ब्स ऑफ टाइम इन द अबव सेंटेंसेस। ये हमारे क्या है एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी काम किस फ्रीक्वेंसी में कितना, किस फ्रीक्वेंसी में किया गया मतलब कितनी बार किया गया। इट डिस्क्राइब्स हाउ ऑफन द एक्शन इज परफॉर्म। आई ऑलवेज गो टू मॉर्निंग वॉक, मैं हमेशा मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ। हाउ ऑफन डू आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं कब मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ, ऑलवेज हमेशा। आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हाउ ऑफन डू आई टेल अ लाई, मैं कब झूठ नहीं बोलता। हाउ नेवर, कभी नहीं बोलता। ऑलवेज एंड नेवर आंसर हाउ ऑफन द एक्शन टेक प्लेस, देयरफॉर दे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द अबव सेंटेंसेस। देखिए सिर्फ इतने ही नहीं होते एडवर्ब, और भी बहुत सारे होते हैं। सिर्फ ये समझ लीजिए जो किसी एडजेक्टिव वर्ब या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करें, उनकी मीनिंग में कुछ ऐड करें, वही हमारे एडवर्ब होते हैं। एक्सरसाइज वन, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो इन सर्कल द एडवर्ब्स एंड राइट द टाइप ऑफ एडवर्ब्स बिफोर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कहा गया है कि इन सेंटेंसेस को जो नीचे दिए हुए इनको पढ़िए, जो एडवर्ब है उनमें इन सर्कल करिए, मतलब उसको सर्कल करिए एडवर्ब को, और बताइए कि वो एडवर्ब का कौन सा टाइप है, मतलब कौन सा प्रकार है। द सन इज राइजिंग, द सन इज राइजिंग यानी सूरज चमक रहा है अब। नाउ, नाउ मीन्स अब। अब इसमें एडवर्ब क्या हुआ आपका, नाउ, नाउ आपका हुआ एडवर्ब यानी अब। अब ये क्या बता रहा है कि सूरज अब चमक रहा है, अब यानी एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है नाउ। आई यूजली डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं यूजली प्राय अपना काम खुद से करता हूँ, कब करता हूँ, यूजली। यूजली आपका क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, और कौन सा एडवर्ब हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट इज वेरी हॉट आउटसाइड, बाहर बहुत गर्मी है। बाहर कहाँ गर्मी है, बाहर गर्मी है, तो ये क्या हुआ एडवर्ब ऑफ प्लेस। कानिका डज हर वर्क केयरफुली, कानिका अपना काम बहुत ही केयरफुली करती है, सावधानी से करती है, तो एडवर्ब क्या हुआ आपका, केयरफुली। और कौन सा एडवर्ब हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर, कि कानिका अपना काम किस तरीके से करती है, केयरफुली करती है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ केयरफुली आपका। कपिल वॉज स्टैंडिंग देयर, कपिल वहाँ खड़ा था, कहाँ खड़ा था, वहाँ खड़ा था, देयर, देयर आपका एडवर्ब हुआ, और कौन सा हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, तो कब बोलता हूँ, हमेशा, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, ऑलवेज हुआ आपका एडवर्ब, और कौन सा एडवर्ब हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ। ठीक, तो सिक्स करा दिया मैंने, सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स बनते कैसे हैं। जनरली एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर फॉर्म्ड बाय एल वाई आफ्टर एडजेक्टिव्स। जनरली क्या होता है, जो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो एल वाई एडजेक्टिव में एल वाई एड करने से बन जाता है। जैसे बैड, बैड आपका क्या एडजेक्टिव है, एडवर्ब बनाने एल वाई लगा दिए, बैडली। लाउड है लाउडली, नीट नीटली, साइलेंट साइलेंटली, ब्रेव ब्रेवली। तो ये आपके दिए हुए हैं एडजेक्टिव से एडवर्ब फॉर्म करने का तरीका, एल वाई लगाओगे आप इन एडजेक्टिव्स में और वो आपका बन जाएगा एडवर्ब। सो यू हैव टू लर्न दीज एडवर्ब्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज टू, फॉर्म एडवर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। अब आपको क्या करना है, ये जो एडजेक्टिव दिए हुए हैं इनसे आपको एडवर्ब बनाना है। जैसे लविंग लविंगली, एंग्री
एंग्रीली, ये देखिए आप इधर लिखा है एंग्रीली, सो दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। अब देखिए इसमें बॉक्स में एडवर्ब्स दी हुए, इसमें आपको फिल करना है। पोलाइटली, अवे, टुमारो, नेवर, वेल। मान्या परफॉर्म्ड इन हर एग्जाम्स, मान्या ने एग्जाम्स में परफॉर्म किया, कैसा परफॉर्म करेगा, करेगी, अच्छा करेगी ना। वेल, वेल मीन्स अच्छा, तो मान्या परफॉर्म्ड वेल इन हर एग्जाम्स। आई आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने एक ग्लास वाटर मांगा, तो कैसे मांगा, पोलाइटली ना, मैंने बड़ी पोलाइटली विनम्रता से एक ग्लास वाटर मांगा, तो सेकेंड में आपका फिल होगा पोलाइटली। थर्ड, द डॉग रैन एज सून एज ओपन द डोर, डॉग भागा जैसे ही दरवाजा खुला, तो रैन अवे, द डॉग रैन अवे एज सून एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला डॉग वहां से भाग गया। वी हैव मेट दोज पीपल बिफेर बिफोर, सॉरी वी हैव डैश मेट दोज पीपल बिफोर, तो नेवर, वी हैव नेवर मेट दोज पीपल बिफोर, कि मैं उन इंसानों से इससे पहले कभी नहीं मिला हूँ। 5 नंबर, अर्जुन विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे, अर्जुन विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे टुमारो। तो ये था आपका चैप्टर 14 एडवर्ब्स। एक्सरसाइज 1 के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क है, और एक्सरसाइज 2 इज योर होमवर्क।